Like and subscribe my YouTube channel Infotainment Plus. Assalamualaikum viewers, मैं हूं आपका दोस्त अनवर हुसैन YouTube चैनल Infotainment Plus के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और फिट फाट होंगे। मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसके बारे में आजकल लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और वो है एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में एंट्री किस तरह करनी है, किस तरह आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको मैं डिटेल के साथ आज आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट प्लस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकते। चलो चलो आज ही अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मगर वो दोस्त जिसको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं वो टेंशन न लें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि गूगल जो क्रोम है वही जाना है आपको। वहाँ पे आपने प्रेस करना है pass.gov.pk pass.gov.pk। जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको दो तीन वेबसाइट इस तरह नमूदार होंगे। इसमें तीसरे नंबर पर जो आया है www.pass.gov.pk इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एहसास राशन पोर्टल या एहसास इमरजेंसी कैश सर्विस, इसका वो मेन वेबसाइट का ये प्री पेज है वो आपको नज़र आएगा। हमें क्या करना है, एहसास राशन प्रोग्राम एहसास कैश स्टेटस पे जाना है। ये एहसास राशन प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आपको एक वीडियो में इसकी तफसीलात बताऊंगा। मगर अभी हमारे पास जो एहसास कैश स्टेटस है इस पे जाना है। इसमें हमारे पास इसमें अभी दो कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है, तीसरी कैटेगरी की तफसीलात में है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पहले वाले कैटेगरी के जो शुमार है ये भी आपके साथ जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तफसीलात आएंगे। टोटल बेनिफिशियरी सर्व्ड ये तादाद हमारे पास आ रही है, टोटल अमाउंट डिस्पर्स इन पाकिस्तान आर एस मीडियम ये तादाद हमारी आ रही है। अभी कैटेगरी टू पे जहाँ प्रेस करेंगे तो ये हमारे तफसीलात हमारे पास आ रही है। अभी इसका एक कैटेगरी वो अभी नामुकम्मल है, अभी वो जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की तीसरी कैटेगरी है उसका ऐलान अभी बाकी है। उसमें जो लोग रह गए हैं या तो उसकी फिंगरप्रिंट में कोई मसला था या कोई उसका शनाख्ती कार्ड नामुकम्मल था या इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी उसके बारे में थी, मगर इसकी जो सानिया निश्तर है इसकी फोकल पर्सन है वो अभी इसके मालूमात है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास जो है एक नंबर पे मैं जा रहा हूँ, जब हम प्रेस करते हैं तो एहसास इमरजेंसी के ज़रूरी ऐलान ये है, आपने को अहलियत के बारे में क्वाइब की जन पड़ताल के बाद मुद्दा किया जाएगा। जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम मौसूल हुआ है इनके क्वाइब की जन पड़ताल अभी जारी है, इनको 15 दिन के अंदर अहलियत के बारे में हतमी पैगाम 8171 से ही मौसूल होगा। वो बिल्कुल फिक्र न करें, जन पड़ताल के बाद ये दो कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है, अभी जो तीसरी कैटेगरी है उसमें जब भी ऐलान होगा इनको जो बंदे रह गए हैं उनमें इसका एंट्री ज़रूर होगा। अभी जिसको ये एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम जो कैश प्रोग्राम है ये मैसेज मौसूल है कि आप अहल हैं, मगर अभी तक इसको ये नीचे वाला जो मैसेज है ये नहीं आया है तो वो उस वक्त तक इंतज़ार करें। जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम मौसूल हुआ है इनसे गुजारिश है कि जब तक इनको 8171 से रकम की वसूली का ये हतमी SMS पैगाम इनके नाम और अदायगी तारीख के साथ मौसूल नहीं हुआ अदायगी मराकज का रुख न करें। तो ये आपके लिए दूसरा जो हमारे पास ट्विटर अकाउंट के जो सानिया निश्तर साहिबा की है उनसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिए है। तीसरा ज़रूरी ऐलान, जिन अफराद की शनाख्ती कार्ड की मुद्दत मायाद
खत्म हो चुकी है। वो अहलियत के बारे में एहसास इमरजेंसी कैश की इमदादी रकम अदायगी मरकज पर पुराना शनाख्ती कार्ड दिखाकर वसूल कर सकते हैं। सारिफिन की सहूलत के लिए 1 सितंबर 2019 के बाद की मुद्दतुल मयाद की शर्त अब ख़त्म कर दी गई है, तो इसके लिए भी आसानी की गई है। जिन लोगों की शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है वो एक्सपायर शनाख्ती कार्ड के साथ भी वसूली कर सकते हैं। हमारे पास जो चौथा ऐलान है, जिन अफराद को अंगूठों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश है, वो मुर्खा 27 अप्रैल से अपने करीबी नादर दफातर से राबिता करें और तस्दीक करवाएं। तस्दीक का अमल मुकम्मल होती है, इनको रकम की अदायगी में आसानी होगी। तो ये तो हुआ चौथा ऐलान। हमारे पास पांचवा जो ऐलान है वो इसके बारे में है, एहसास इमरजेंसी केस की जाने से जिन अफराद को अपने वालिदीन या शरीक हयात की अहलियत का SMS पैगाम वसूल हुआ है और इनकी वफात हो चुकी है, तो वो अपने करीबी नादर दफातर से राबिता करें। इंशाल्लाह 27 अप्रैल से नादरा के दफातर खुल जाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास पांचवा ऐलान। छठा ऐलान इसके बारे में बता रहा हूँ। अमुन्नास को आगाह किया जाता है कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत हुकूमती इमदाद के लिए 8171 के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, वो अदायगी मराकज पर जाने से गुरेज करे ताकि लोगों का बेजा हजूम न बने और रजिस्टर मुस्तहक अफराद को इमदाद की आसान और बर वक्त अदायगी की जा सके। मगर आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एहसास इमरजेंसी केस सर्विस के जो SMS सर्विस था वो अब भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिन लोगों ने इनके लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको तस्दीक के बाद मैसेज कर दिया जाएगा, फिर वो पैसे ले सकते हैं। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया कि टिगरी वन में वो लोग शामिल थे जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते थे, कि टिगरी टू में वो लोग शामिल थे जो कि नए एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम का हिस्सा है, कैटेगरी 3 में वो लोग शामिल होंगे जो किसी वजह से उनका तस्दीक नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया।